गुलिस्तान लाइव फीड देख रहे हैं आप, मैं हूं शोपियान से इरशाद। अगर हम बात करें जो कल सुबह से ही यहां पे शोपियान में बर्फबारी का सिलसिला वाकफे से जारी है, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है तवारी की मगर रोड पे, और मगर रोड की अगर बात करें तो मगर रोड पे भी जो है एक फुट के आसपास बर्फ जो है वो गिर गई है। अभी तक जो है बर्फ रुकी नहीं है और अभी जो है वक्फे से बर्फबारी जारी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बिल्कुल आप देख रहे हो कि मगर रोड का व्यू है ये, और यहाँ से मगर रोड स्टार्ट होता है और यहाँ पे सुबह से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और यहाँ पे काफी सारे जो है लोग आए हुए इस बर्फ को जो है मजा ले रहे। मैं आपको बता दूं, ये मगर रोड का जो है एंट्री पॉइंट है, जहां से मगर रोड स्टार्ट होता है। और यहाँ की अगर बात की जाए, जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ये एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के जो ग्रोवर्स लोग है उनमें जो है काफी सारी जो है मायूसगी छाई हुई है कि यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती है, कि हमारे बगीचों में जो पानी है वो उससे जो है इस फ्रूट सनत को काफी सारा जो है फायदा मिलेगा। मगर अगर बात की जाए जो इस जो है ये बर्फबारी हुई और यहाँ की ग्रोवर्स पे जो है बिल्कुल एक खुशी सा छा गई है, और यहाँ पे हर कोई ये कह रहा है कि अल्लाह की रहमत जो है वो आज कहीं ना कहीं हमें दिख रही है। मगर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुछ लोग, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना जो है फायदा मिलेगा इस बर्फबारी से, और क्या लग रहा है आपको कि इस बर्फबारी जो है कब तक जो है ये बर्फ जो है होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए जो ये मगर रोड है, और यहाँ पे भी तकरीबन एक फुट के आसपास बर्फ जो है वो गिर गई, और अभी तक जो है सुबह से ही लगातार बर्फ जो है वो गिर रही है। हमारे साथ कुछ लोग है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान चैनल में, सर बता दीजिएगा कितना फायदा मिला है इस बर्फबारी से। देखिए, सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का भी एज ए जर्नलिस्ट शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हर बार लोगों की आवाज़ पहुँचाते थे कि बर्फबारी हो, तो फाइनली जो अल्लाह ताला ने हमारी सुनी और आज अच्छी खासी बर्फबारी पहाड़ों पे भी हुई और मैदानी इलाकों में भी, तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और बर्फबारी हो ताकि उससे फ़ायदा मिले। ज़्यादा बर्फबारी का भी खतरा होता है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा बर्फबारी हो जिससे लोगों को परेशानी हो, लेकिन हम चाहते हैं इंशाल्लाह जितना बर्फ़ चाहिए, फिलहाल उतनी बर्फ़ जो है मैदानी इलाकों में पड़ी है। और जो इसमें अगर शुपियान की बात करेंगे, शुपियान में ज़्यादातर जो है बागात जो है सेब के बागात है, इससे आने वाले सीजन में सेब के जो बागात है उनमें और चार चांद लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। था हमारे साथ एक जर्नलिस्ट जिनका ये कहना है कि बिल्कुल इससे हमें काफी सारा फायदा मिलेगा यहाँ के फ्रूट को। अगर देखा जाए जो कुछ महीनों से यहाँ पे ड्राई स्पेल चल रहा था और आज कहीं ना कहीं वो ड्राई स्पेल जो है खत्म हो चुका है और यहाँ पे बर्फ जो है वो गिर रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से यहाँ पे जो है बर्फबारी हो रही है, और हर जो है अगर बात कीजिए जमीन जो है व्हाइट दिख रहा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए जो एक फुट के आसपास जो है बर्फ को रिकॉर्ड की। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आने वाले 24 घंटे में यह बताया जा रहा है कि जो है बर्फबारी जो है 2 दिन जो है बंद होगी, मगर अगर देखा जाए जो कल आज सुबह से ही यहां पे लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला वक्त पे से जारी है। शायर शाद, गुलिस्तान न्यूज़, शोपियान।